गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ। अभी तक आप लोगों ने रिवीजन में काउंट करके नंबर राइट किया एंड काउंट करके मैच कराया। आज आप लोग क्या जानेंगे? मोर एंड लेस। ओके, मोर एंड लेस, एम ओ आर ई, मोर, मोर मीन्स अधिक एंड एल ई डबल एस लेस, लेस मीन्स कम, मोर मीन्स अधिक, लेस मीन्स कम। राइट एम फॉर मोर, एम फॉर मोर एंड एल फॉर लेस इन द बॉक्स। यहाँ देखिए बॉक्स दिया गया है आपको, इस बॉक्स में एम फॉर मोर राइट करना है एंड एल फॉर लेस राइट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू पार्ट में वैन दिया गया है, इसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, कितना वैन है ये? फाइव है, और ये वन टू थ्री फोर, ये फोर, तो आपका फाइव मोर हुआ, फोर लेस हुआ। तो बॉक्स में क्या राइट करेंगे? एम, एम फॉर मोर, और जहाँ फोर वैन है वहाँ क्या राइट करेंगे? एल फॉर लेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी टू पार्ट में कैप दिया गया है, इसको काउंट कर लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना है ये? एट। अब इसको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना है ये? सिक्स। तो आपका मोर कौन सा हुआ? एट हुआ, मोर में अधिक। तो आपका कौन सा कैप मोर है? एट मोर। यहाँ पे एम फॉर मोर, लेस आपका कौन सा है? सिक्स है, तो ये आया आपका एल फॉर लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए इंक दिया गया है, इसको भी हम काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कितना है? सिक्स है, और ये वन टू थ्री फोर, तो आपका मोर कौन सा हुआ? सिक्स हुआ। तो इस बॉक्स में हम क्या राइट करेंगे? एम, एम फॉर मोर, और इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे? एल, एल फॉर लेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइसक्रीम है। वन टू थ्री फोर फाइव, कितना आइसक्रीम है ये? फाइव, और ये वन टू थ्री, थ्री, तो आपका मोर कौन सा हुआ? मोर हुआ आपका फाइव, और लेस क्या हुआ? थ्री। तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे? एम, एम फॉर मोर, और यहाँ पे एल। ठीक है, इसी तरह आप लोग कंप्लीट करेंगे। नीचे ये फोर दे रहे हैं, ठीक है, इसको आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट है आपका हैवियर एंड लाइटर। देखिए एच ई ए वी आई ई आर, हैवियर एंड एल आई जी एच टी ई आर, लाइटर। ठीक है, हैवियर मिस होता है भारी, लाइटर मिस होता है हल्का। ठीक है, हैवियर मिस भारी, लाइटर मिस हल्का। टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ देखिए बॉक्स दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट आपका हैवियर है उस पर टिक करना है। जैसे कि यहाँ देखिए हॉर्स दिया गया है और यहाँ पे कैमल है। ठीक है, तो आपका हैवियर कौन सा है? कैमल है, तो कैमल पे हम टिक कर देंगे, क्योंकि हॉर्स आपका क्या है? लाइटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लॉयन है और डियर है, तो आपका हैवियर कौन सा है? डियर लाइटर हो गया, और लॉयन क्या है? हैवियर है, तो इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए डॉग है, कैट है, तो आपका हैवियर क्या है? डॉग है, और कैट क्या है? लाइटर है, तो हम क्या करेंगे? डॉग पे टिक करेंगे, जो हैवियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आयरन है और इंक है, तो आपका हैवियर क्या है? आयरन है, इंक क्या है? लाइटर, तो हमें किस पे टिक करना है? हैवियर पे, तो आयरन मेरा क्या है? हैवियर है, इस पे टिक कर दिए। ठीक है, इसी तरह आप लोग
ये 4 दिया गया है, आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है। हैवियर एंड लाइटर देख लीजिएगा, हैवियर जो है उस पर टिक कर दीजिएगा, जो न समझ में आए उसको पूछ लीजिएगा फिर से, ठीक है, हम आपको फिर से बता देंगे। और आज के लिए बस इतना ही।